हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए वीडियो में। कल वाले वीडियो में आप लोगों से मैंने पूछा था कि बैकग्राउंड को इरेज करना आप लोगों को आता है कि नहीं। देन आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला था कि बैकग्राउंड को इरेज करना नहीं आता है। तो आज के वीडियो में पहले आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना सिखाऊंगा एंड देन आपको कुछ इस तरीके का फोटो भी एडिट करना सिखा दूंगा, ठीक है। 3 से 4 मिनट का वीडियो होने वाला है, सो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ईजी से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, उस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को पहले से पता है कि नहीं, कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उस एप्लीकेशन का नाम है फोटो रूम। आप लोग प्ले स्टोर से उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको ओपन कर लेंगे। अगर आपका अपडेट मांग रहा है तो अपडेट मार लीजिएगा, मैं फिलहाल के लिए अपडेट उसको नहीं मारूंगा। तो चलिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं और अपडेट नहीं मारेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, जिस भी फोटो को बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको क्या करना है कि वन क्लिक में ही आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से स्कैनिंग कर रहा है और देखिए कितना आसानी से बैकग्राउंड इरेज हो गया, देख सकते हैं आप लोग। तो इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। और ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके एंड आपको राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। एंड देन आपको क्या करना है कि यहाँ से एक अकाउंट बना लीजिएगा या फिर नहीं भी बना सकते हैं, नीचे वाले पर क्लिक कर देंगे एंड आप सेव कर लेंगे फ़ोटो के यहाँ से, सेव टू गैलरी पर। हमारा फ़ोटो बहुत ही आसानी से और HD में रिमूव हो गया बैकग्राउंड, और सेव कर लेंगे इसको यहाँ से गैलरी में। और क्या करेंगे देख सकते हैं कितना HD में कटा है, ठीक है, बैकग्राउंड इसका। तो क्या करेंगे यहाँ से सेव हो गया, अब हम अपने बैकग्राउंड को ले लेंगे एंड कुछ ही तरीका बैकग्राउंड है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में से। एंड आपको इसको सेंड करना है PicsArt के अंदर। चलिए PicsArt के अंदर इसको शेयर कर लेते हैं। एंड देन आपको क्या करना है कि जिस भी फोटो का बैकग्राउंड हमने इरेज किया था उस फोटो को ऐड करना है। तो चलिए यहाँ से ऐड कर लेते हैं, यानी कि अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। यहाँ से जैसे ही हम फोटो पर क्लिक करके उसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद इसको जूम करके ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं इसको। एंड चलिए यहाँ पर इतना कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर लेयर पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट इसका एक कर लेंगे। एंड आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिप रोटेट का, एंड इसी पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे इस वाले रोटेट पर क्लिक कर देना है। तो आपको कुछ इस तरीके से पैर पे इसको एडजस्ट कर लेना है, यहाँ से कुछ अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ से थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं इधर के साइड। चलिए यहाँ पे इतना एडजस्ट कर लेते पहले। एंड चलिए यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो चुका है, और एडजस्ट होने के बाद क्या करना है कि आप लोगों को इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे। चलिए यहाँ से ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर लेंगे। एंड आपको क्या करना है, ओपेसिटी को कम करने के बाद कि आपको फिर से डुप्लीकेट इसका एक लेयर बना लेना है, ऊपर के साइड क्लिक करना है और डुप्लीकेट एक लेयर बनाकर, और फिर से आपको फ्लिप रोटेट पर क्लिक करके जैसा फोटो था हमारा पहले जैसा वैसा ही कर लेना है, और इसको जूम करना है ऐसे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और क्या करना है कि आपको जो बीच वाला ऑप्शन दिख रहा है मूव डाउन ऊपर के साइड, उसी पर क्लिक करना है मूव डाउन पर, जिससे ये फोटो उस फोटो के पीछे चला जाएगा। एंड आपको इरेज पे क्लिक करना है और इसका हार्डनेस को 1 कर लेना है, और नीचे के साइड से थोड़ा सा इरेज करेंगे, नीचे से थोड़ा सा इरेज करेंगे, देख लीजिए आप लोग कुछ इस तरीके से। एंड आपको क्या करना है कि इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे, और चलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ इतना कम कर लेते हैं और फिर से थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से राइट कर लेना है 1 स्टेप। एक स्टेप आगे जाने के बाद आपको क्या करना है कि चलिए यहाँ से इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से राइट कर लेंगे। एंड देन आपको 2 PNG मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में से। एंड आपको उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। चलिए यहाँ पे हमने उसको ओपन कर लिया। चलिए यहाँ पे ये रहे 2 PNG, इसको यहाँ पे दोनों ओपन हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करेंगे, यहाँ पे एक लगा देंगे। एंड ये लॉब वाला जो PNG, इसका ब्लेंड को स्क्रीन कर लेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से अब हमारा कंप्लीट हो चुका है फोटो। अब यहाँ से ड्रॉ टूल से फोटो को सेव कर लेंगे, ठीक है। चलिए ड्रॉ टूल से क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक कर देंगे, हमारा फोटो यहाँ से सेव हो जाएगा। सो हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।